Swami. Swami, मेरे Swami. आपके बिना मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी. Swami. 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 ना कन्या देवी सुलोचना, आपके पति युद्ध भूमि में अपने पिता के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. आप धैर्य धारण कीजिए. आप श्री राम है ना? आपकी कीर्ति गाथा बहुत सुनी है, सुना है आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं. हे देव, यदि मेरे सतीत्व में बल है, यदि मैंने अपने जीवन में केवल और केवल एक पति को अंगीकार किया है, तो अभी इसी समय मुझे इस धरती से उठा लीजिए. मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहती. हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए. हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए. हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए. 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 एकनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकता. वो राक्षसों का गौरव है, वो राक्षस कुल शिरोमणि है. झूठ बोल रहे हो ना? कह दो ये झूठ है, बोलो ये सत्य नहीं है. लंकेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं. लक्ष्मण के हाथों लंका युवराज वीर गति को प्राप्त हो गए. यदि युवराज वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है. हमारा युवराज मेघनाथ हमसे भी शक्तिशाली है. जिस इंद्र को हम नहीं जीत पाए, जिस इंद्र को रावण नहीं जीत पाया, से बंदी बनाकर मेघनाथ इंद्रजीत मेघनाथ बना. उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं. जो राक्षस अपने युवराज की रक्षा नहीं कर सकता, उसे तो मर जाना चाहिए. मर जाना चाहिए उसे. मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा.
किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। हमें पीठ दिखाकर भागने वालों, हम तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। पिताश्री, आप मेरी युद्ध क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, मुझे एक अवसर और दीजिए। इस बार मैं शत्रु को ध्वस्त करने का दृढ़ निश्चय कर गया हूं। अब तो तुम युद्ध में तभी जाओगे जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। ऐसा ना कहिए लंकेश्वर, मेरा प्रण है कि मेरे होते हुए आप युद्ध में नहीं जाएंगे। आप मेरे इस प्रण को आघात ना कीजिए। पुत्र, हमारा मन भी रह रहकर आशंकित हो रहा है। आज युद्ध में हमें जाने दो, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेघनाथ, आप ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए पिताश्री, और हंसते हंसते मुझे युद्ध के लिए विदा कीजिए। मेघनाद, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेघनाद, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? हम जीते जी मर जाएंगे मेघनाथ, हम जीते जी मर जाएंगे। लंकेश्वर, thank you.
वंकेश्वर, विश्व विजयी लंकेश्वर, एक मां याचक बनकर आपके इस दरबार में उपस्थित है। यदि कुछ दे सकते हैं तो मुझे मेरा पुत्र दीजिए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए लंकेश्वर, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। चुप हो जाओ मंदोदरी, चुप हो जाओ। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं आपकी इस लंका में जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपके हट और दुराग्रह के कारण मेरे दो दो प्रिय पुत्र युद्ध की भेंट चढ़ गए। आप अपने भाइयों और सहायकों से हाथ धो बैठे हैं और लंका के कई वीर राक्षस वानरों के हाथ मारे जा चुके हैं, और आप अकेले सूनी राज्यसभा में बैठकर अपने युद्ध जीतने का सपना देख रहे हैं। धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आप पर लंकेश्वर। बस करो मंदोदरी, बस करो मंदोदरी। तुम मेघनाथ की मां हो तो हम भी तो उसके पिता हैं। हमने उसका समाचार सुनकर अपने कई राक्षस वीरों को मृत्यु की गोद सुला दिया। देखो लंका की राजसभा को कैसी सूनी पड़ी है। मेघनाद के मृत्यु के समाचार ने हमारे हृदय को आहत कर दिया है मंदोदरी। हम रक्त के आंसू रो रहे हैं मंदोदरी। लंकेश्वर, अब ये सब कहने से क्या लाभ? मैंने कितना रोका उसे मगर वो नहीं माना। स्वयं कुलदेवी निकुंभला ने सपने में आकर मुझसे कहा था कि मेघनाथ के प्राण संकट में है, उसे युद्ध में जाने से रोक लो। सुलोचना ने भी कितनी विनती की परंतु वो नहीं माना। मृत्यु से युद्ध भूमि में खींच कर ले गई। मेघनाथ और सुलोचना दोनों इस अभागी लंका को आंसुओं में डुबोकर चले गए। क्या कहा मंदोदरी? सुलोचना भी? सती सुलोचना, वो एक पल भी अपने स्वामी के बिना जीवित नहीं रह पाई। हमारी पुत्र वधू नागकन्या सुलोचना हमसे मिले बिना विदा हो गई। अब तुम ही बताओ मंदोदरी, हमारे जीने का क्या अर्थ रह गया है? क्या अर्थ रह गया है? सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है मंदोदरी। नहीं लंकेश्वर, कुछ समाप्त नहीं हुआ है। जब तक लंकेश्वर जीवित है उनकी ये लंका भी जीवित है। मंदोदरी, हमसे मेघनाथ को छीनने वालों को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम सारे ब्रह्मांड को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। पुत्र मेघनाथ, मेघनाथ कहाँ हो पुत्र? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते पुत्र, पुत्र मेघनाथ।
इस हनुमान के आगे हम विवश होकर रह गए हैं मेघनाथ, विवश होकर रह गए हैं। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसी विवशता लंकेश्वर को शोभा नहीं देती। जब मैं आपके साथ हूं तो आपको अपने मन से इन सारी विवशताओं को निकाल फेंकना होगा। हनुमान को समाप्त करने का उपाय सोचने से पहले हमें राम और लक्ष्मण को समाप्त करने का विचार करना होगा पिताश्री। लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र के प्रहार के पश्चात भी जीवित हो उठा, इसका अर्थ यह है कि अब हमें शत्रुओं पर दुगनी शक्ति से प्रहार करना होगा ताकि हमारे शत्रु संभलने से पहले ही गिर जाएं। मैं इसी समय युद्ध में जाने की आज्ञा चाहता हूं पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें। मेघनाथ! लंकेश्वर रावण, अब तेरा सर्वनाश निश्चित है, तू अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। कौन है कायर जो हमें चुनौती दे रहा है? साहस है तो सामने क्यों नहीं आता? सामने आ। कौन है तू? सामने क्यों नहीं आता? स्वर्गाधिपति इंद्र को पराजित करने वाला तेरा पुत्र मेघनाथ मारा गया है रावण, तेरा दाहिना हाथ कटकर गिर चुका है, तेरी आधी शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब तेरे पतन को कोई नहीं रोक सकता रावण। अब भी समय है रावण, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से क्षमा मांग ले और देवी सीता उन्हें लौटा दे तो तेरे प्राण बच जाएंगे, अथवा नहीं। कौन है कायर? सामने क्यों नहीं आता? हम है स्वर्गाधिपति इंद्र, जिसे तेरे मृत पुत्र ने धोखे से बंदी बनाया था। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आए हैं रावण। हम है चंद्र तुम्हें बुध, और हमारे विपरीत होते ही तेरी सोने की लंका वैभवहीन हो चुकी है। रावण, हम हैं चंद्रदेव, जब हम विपरीत हो जाते हैं तो व्यक्ति का मन उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। रावण, हम हैं देवगुरु बृहस्पति, धर्म और नीति के विरुद्ध जाने वाला हर व्यक्ति हमारे कोप का भागी बनेगा। तेरी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है रावण, अब कोई भी सद्विचार तेरे मन में उत्पन्न नहीं होगा। नहीं। हमसे तो तुम पूर्व परिचित हो रावण, हम हैं ग्रहों के आधिपति सूर्यदेव, अब हम सब ग्रह तेरे विरुद्ध हो चुके हैं रावण, तेरा दुर्भाग्य तुझे मृत्यु की ओर ढकेल रहा है। हम हैं सूर्य पुत्र शनिदेव, और जो भी व्यक्ति हमारे कालचक्र के जाल में फंसता है उसका सर्वनाश निश्चित होता है, और तुम हमारे साढ़े साथी के पास में फंस चुके हो रावण, तुम्हारा अंत निकट है। शुक्राचार्य भी तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं, अब तुम्हारा धन संपद वैभव नाश के कगार पर पहुंच चुका है रावण। हम धरती पुत्र मंगल हैं, हम भी तेरे भाग के विपरीत हो चुके हैं रावण, इसी कारण तेरी लंका में रक्त की नदियां बह रही हैं। चुप रहो, यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। क्या तुझे अपने दुर्भाग्य पर अब भी संदेह है रावण? तेरे गुरु शुक्राचार्य तुझे त्याग चुके हैं, तेरे सभी पुत्र मर चुके हैं, तेरे सभी योद्धा काल के गाल में समा गए हैं, सभी ग्रह तेरे विपरीत हो चुके हैं। अब बता रावण, तेरे सर्वनाश में क्या शेष रह गया है?
मैं अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता हूँ। ये ना भूलो कि मैं ब्रह्मा का वरदानी हूँ। सब कुछ समाप्त हो सकता है पर मेरी वरदानी शक्ति कदापि समाप्त नहीं हो सकती। अब तुम सब मेरे जाल में स्वयं फंस चुके हो। अब मैं तुम सबको बंदी बनाकर रखूंगा। रावण, तेरी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम ब्रह्मदेव, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट हो। दुष्ट रावण, यदि तूने अपने भाग्य विधाता ग्रहों को कष्ट दिया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। रावण, बहुत बुरा होगा। क्यों चंद्रदेव, हो गए शांत? बुद्ध देवता, कैसा लग रहा है हमारा बंदी बनकर? बृहस्पति हमें पाठ पढ़ा रहे थे। सूर्यदेव, हम तो पहले भी मिल चुके हैं, है ना? छटपटाओ शनिदेव, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें समाप्त करके इस संसार के दुर्भाग्य को समाप्त कर दूंगा। शनि की मार से तू बचेगा नहीं रावण। तूने स्वयं अपने काल को निमंत्रण दिया है। दुष्ट शनि, ओ शनि देवता, हमसे टकराने वाले शनि देवता, अब तू और ये तेरे साथी ग्रह हमारे बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं शनि देवता। अपने भाग्य के हम स्वयं विधाता हैं। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? ब्रह्मदेव, त्राही माम, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव कहाँ हैं आप? ब्रह्मदेव, त्राही माम, रक्षा कीजिए संसार के प्राणियों के भाग्य विधाता ग्रहों की। आपसे प्राप्त वरदानी शक्ति का दुरुपयोग करके रावण ने उन्हें बंदी बना लिया है। देवराज, अभिमानी का अभिमान तो खंडित होकर ही रहेगा। आपने अभिमान किया तो मेघनाथ के हाथों पराजित होके
आप बंदी बने। अब अभिमानी ग्रहों की भी यही दिशा है। ये तो प्रकृति का नियम है देवराज। ब्रह्मदेव, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब शक्तिमान ग्रहों को बंदी बनाया गया हो। यदि वो बंदी हो गए तो ज्योतिष के नियम व्यर्थ होकर रह जाएंगे ब्रह्मदेव। ज्योतिष के नियम कभी व्यर्थ नहीं होंगे देवराज, आप निश्चिंत रहें। ग्रहों को बंदी बनाकर रावण ने अपने उद्धार की सभी संभावनाएं समाप्त कर दी। हमारी दी हुई वरदानी शक्ति का दुरुपयोग करके अब वो इस वरदानी शक्ति से भी हाथ धो बैठेगा और शीघ्र ही मृत्यु के मुंह में पहुंच जाएगा। मेरे साथी ग्रहों की मुक्ति का उपाय बताइए परमपिता, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। देवराज, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि शक्ति के पुंज जिस महाबली ने आपको रावण के बंधन से मुक्त कराया था, वही आपके साथी ग्रहों को भी मुक्त करा सकता है। महाबली हनुमान? अर्थात महाबली हनुमान ग्रहों को मुक्त करा सकते हैं? आप हमारे पास आने के बदले यदि सीधे महाबली शक्तिमान हनुमान की शरण में पहुंच जाते तो हो सकता है अब तक सब ग्रह मुक्त भी हो गए होते। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। प्रणाम परमपिता। रुद्र अवतार हनुमान, भाग्य विधाताओं के भाग्य विधाता, शीघ्र ही ग्रहों को बंधन मुक्त कराइए। अब हमारी वरदानी शक्ति रावण की रक्षा नहीं कर पाएगी। शनि देव, भाग्य का खेल देखिए, आप दूसरों को अपने अशुभ भाग्य जाल में फंसाते फंसाते आज स्वयं कैसे फंस गए हैं। आपने रावण के बल का अनुमान नहीं लगाया, उसकी शक्ति को पहचाना नहीं आपने। आपकी कोई भी शक्ति, कोई भी युक्ति समय काम नहीं आ रही है। कुंठित होकर रह गए हैं आप। क्या होगा आपका भविष्य आप स्वयं नहीं जानते। क्यों शनिदेव, बहुत छटपटा रहे हो? कैसा लग रहा है हमारे बंदी बनकर? आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे चक्कर में फंसे कई बेचारे अभागे आज चैन की नींद सो रहे होंगे। क्यों काठ मार गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें बंदी बनाकर तुमने अपने दुर्भाग्य और मृत्यु को निमंत्रण दिया है रावण। अब तुम्हारा पतन अधिक दूर नहीं है। हमारे पतन की कामना करने वाले दुष्शनि, हम तुम सभी ग्रहों को नष्ट कर देंगे। यदि तुमने हमारी विजय और दीर्घायु का वचन नहीं दिया। विजय और दीर्घायु, कहीं तुम दिवास्वप्न तो नहीं देख रहे हो रावण? तुम्हारा दुष्कृत ही दुर्भाग्य बनकर तुम्हें ले डूबेंगी। अब तुम्हारे पतन को संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। दुष्शनि, रावण, मैं शनिदेव, मुझ पर प्रहार करने वाले काल के काल में समा जाते हैं। दुष्ट, सचेत हो जा, अब भी समय है, और हम ग्रहों को इन मंत्र पूरित बंधन से मुक्त कर दे। दुष्शनि, हम तुम्हें नहीं आ।
सूर्यदेव, तुम हमारे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं यदि यदि तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तो श्रावण, तू अभी हमारी शक्ति से परिचित नहीं है। हमें दंडित करने का परिणाम तुझे शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपने भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। मूर्ख, हमें बांधकर तूने अपनी सारी वरदानी शक्तियों को नष्ट कर लिया है रावण। अब तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। शिव और ब्रह्मा तेरी करतूतों से रुष्ट हो चुके हैं। विष्णु के अवतार श्री राम से तूने व्यर्थ में बैर मोल लिया है। अब पतन से तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरी बुद्धि ही तेरी शत्रु बन चुकी है रावण। तेरे विवेक को तेरे अभिमान ने ग्रस लिया है। तेरा हर कार्य धर्म नीति की मर्यादाओं के विरुद्ध है रावण। तू तो स्वयं एक विद्वान वेद पाठी रह चुका है, अब बता तू तेरे दुर्भाग्य के प्रहारों से कैसे बच सकेगा। लंकेश्वर रावण, तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षसी अत्याचारों की चरम सीमा तक पहुंच चुका है, परंतु हमें तुझ पर रोष नहीं, दया आ रही है। अब भी संभल जा, हमें मुक्त कर दे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश से तेरे उद्धार की प्रार्थना करेंगे। हम तुम सबको काट डालेंगे। आ! 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 आ!